बाबा से बुलंद सलवात। बाबा से बुलंद सलवात। घर बार अपना दीन पे कुर्बान कर गए इस्लाम की बका का वो सामान कर गए। शबीर कायनात पे एहसान कर गए। सलवात बाम। हैदर पर मुस्तफा की नियाबत को नाज है सिप्तैन ओ फातिमा पतहारत को नाज है। अब्बास को अगरचे इमामत नहीं मिली लेकिन ये वो है जिन पर इमामत को नाज है। सलवात बाबा से बुलंद। बाबा से बुलंद सलवात। अशकों का शोर है मेरी चश्मे पुराब में दरिया भरे हुए हैं सलामी हबाब में मज़लूम ये हुसैन का मजलिस में ज़िक्र है। यारों बुका करो के हो दाखिल सवाब में करता जो इब्ने साकी कौसर सवाल करता जो इब्ने साकी कौसर सवाल आते थे तीर जुल्म उधर से जवाब में अकबर के रुख को देख के कहते थे अहले शाम। अकबर के रुख को देख
देख के कहते थे अहले शाम, देखा नहीं ये नूर कभी आफताब में। रोता हूँ जब कहे कोई मजलू मैं करबला, क्या बेकसी भरी हुई है इस खिताब में। सहरा न देखा बानों ने अकबर के ब्याह का, सहरा न देखा बानों ने अकबर के ब्याह का। अरमान ये रह गया पुरइज तेराब में, देखिए फरजंद जिसका कत्ल होए ने शबाब में। अकबर जहां से उठ गए नाशादो नामुराद, अकबर जहां से उठ गए नाशादो नामुराद, बरछी सितम किसी ने पे खाई शबाब में। ज़ैनब ये कहती थी न बचेगा अली का लाल, ज़ैनब ये कहती थी न बचेगा अली का लाल। अम्मा बरहना सर नजर आई है ख्वाब में, हाय सवार दोश पयंबर सवार हो, रूहुल नमी का हाथ है तेरी रकाब में। जब जख्म शह न गिन सके आबिद तो ये कहा, जब जख्म शह न गिन सके आबिद तो ये कहा, इनका शुमार होएगा रोजे हिसाब में। शामो सहर खुदा से दुआ है यही अनी,
شام و سحر خدا سے دعا ہے یہی انیس ہو خاک روزہ خلف بوتراب اشکوں کا شور ہے میری چشمے پراب میں دریا بھرے ہوئے ہے سلامی حباب میں صلوات بآواز بلند بھیجتے ہوئے اگر آپ آگے آ سکتے ہو تو آ جائیں جس سے بعد میں آنے والے مومنین کو پیچھے بیٹھنے کے لیے جگہ مل سکے میری درخواست ہے آپ سے جو بھی جگہ اگر بنا سکتے ہو آپ تو بنا لیں جو ابھی آگے جگہ ہے میری درخواست ہے آپ سے کہ آگے جو جگہ اسے پر کر لیں آنے والوں کا مجمع بہت زیادہ ہوگا اور میں سمجھ رہا ہوں شاید نیچے کا حال بھی فل ہو جائے باہر بیٹھنے کی جگہ نہ مل سکے آواز ہی نہیں آ رہی اس کو غور کریے نا فاتحہ یہ ممبر کے دونوں طرف جگہ ہے ادھر آ سکتے ہیں لاؤڈ اسپیکر آپ تین دن سے پتہ نہیں کیوں خراب کر دیا کیا چاہ رہے ہیں نہ پڑھیں کیا کریں نہیں صحیح ہے ہم پڑھتے ہیں ہم کو معلوم ہے صحیح ہے کہ آپ کو معلوم ہے صحیح ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی النبی الرحمہ وشفیع الامہ وکاشف الغمہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض طیبۃ المدینہ العبد المویّد والرسل المسدد المصطفی الامجد ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائکة الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاص بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائب مجمعين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد حضرات ذوی الاحترام جو ہمارا سلسلہ کلام جاری تھا وہ اب اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہے اور جو لوگ مسلسل تقریروں میں شریک تھے انہیں ساری چیزیں معلوم ہے کہ یہ دونوں اشرے کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں تک پہنچ گئے پچھلی دو دن کی مجلس آج کی مجلس کی تمہید ہے اور آج اس کا ماحصل ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے اس لیے کہ میں نے شروع کیا تھا قبل اسلام قبل پیغمبر سے
जनाब खदीजतुल कुबरा रिसालत माप, जनाब अबू तालिब अमीरुल मोमिनीन फिर अहले बैत के ज़बानी, आपने आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल को समाअत फरमाया और दो दिन से मखसूस किरदार अमीरुल मोमिनीन पे बात हो रही है और अमीरुल मोमिनीन का निज़ाम हुकूमत और खलीफतुल मुस्लिमीन की सादगी की ज़िंदगी और निज़ाम कायनात, और कल मैंने आपको बताया कि जंगी हालात में भी अमीरुल मोमिनीन का किरदार कैसा था। आज और कल ये जो दो मजलिस अरबईन के सिलसिले से है, आज हमें खिराज अकीदत पेश करना है अली इब्न अल हुसैन सैयद सज्जाद सल्लल्लाहु अलैहि की खिदमत में। और आम मसाइब तो इनका बहुत सुनते रहते हैं, मगर इनका शुजाना किरदार और इमाम की हैसियत क्या है वो आपको मैं अभी पस मंज़र दिखाता हूँ, मगर ये पूरा उन्हीं लोगों के दिमाग में आएगा जो मुसलसल सुन रहे हैं, मगर मैं ये चाहूँगा कि जो आज भी हैं, इसलिए कि लोगों की कसरत है, खाका आपके सामने रखूँ और इंशाअल्लाह आज की तकरीर आपके अजहान आलिया को रोशन करने के लिए काफ़ी होगी। इसलिए अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है, जो हजरात जहाँ हैं वहीं से हम तन गोश होकर समात फरमाएँ, और ख़ास तौर से आगे के लोग, के अमीरुल मोमिनीन का दौरे हुकूमत, अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल, अमीरुल मोमिनीन के कमालात और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप बराबर सुनते रहते हैं और मैंने भी आपके सामने पेश कर दिया। दुनिया का कोई ऐसा शख्स है जो ये नहीं जानता कि अहले बैत क्या हैं? दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो नहीं जानता कि अली की इस्लाम में हैसियत और अहले बैत की हैसियत क्या है। इसलिए कि पैगंबर ने अपनी पूरी 63 साल जिंदगी में हर आन हर वक्त हर लम्हा ये चाहा कि हम दुनिया को अहले बैत को पहचानवाएं, कभी मोबाहले में ले जाके दिखाया, कभी चादर में जमा करके बताया, कभी कंधे पे उठा के बताया, कभी दोस्त पे बैठा के बताया, कभी सजदे को तूल करके बताया, कभी नाका बन के बताया, कभी फातिमा के डोरी पे सलाम करके बताया कि ये हमारे अहलो बैत हैं, खासती वहामती लहमहम लहमी दमहम दमी यो लेमनी मा यो लेमहम व यहजननी मा यहजनहम अना हरमुल लेमन हारबहम व सिलमुल लेमन सालमहम व दुमुल लेमन आदाहम मुहिब्बुल लेमन अहब्बहम। ये सब अहले बैत को उन्होंने पहचानवाया जो हमने 20-22 मजलिसों में आपके सामने खाका रखा, मगर जिसका नतीजा यह हुआ कि मैंने फिर यह इशारों में बताया था कि दो लाइनें चली, एक लाइन हुकूमत की थी और एक लाइन हिदायत की थी। खुदा बुरा करे सियासत का क्या, और दुश्मनी आले मोहम्मद में दुनिया इतनी आगे बढ़ गई कि आज का भी मीडिया, अब यहां से मेरी तकरीर दानिश्वरों के लिए आज शुरू हो रही है कि आज इतना स्ट्रांग मीडिया है, मगर आज पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है, चाहे फिरका कोई हो, हर आदमी इस बात पर मुत्तफिक है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मीडिया और प्रोपेगेंडा है। इस बात से किसी को इनकार नहीं है। मैं लोग कहते हैं कि आज मजमा ज्यादा हो, जरा फजाइल सुनिए पढ़िएगा, नहीं मेरे तकरीर का तसलसल है, इसलिए कि हमें मजमे को तकरीर नहीं सुनाना रहता है, जिन ममदू को सुनाना है वो सुनते रहते हैं, लिहाजा वो हमारे एक सिलसिले कलाम है तकरीर का, उस एतबार से जिसकी किस्मत में जो होगा वो सुनेगा। आज का जो खाका है वो यही है, इसलिए कि अरबईन के सिलसिले की है कि आज ये बात दुनिया मानती है कि प्रोपेगेंडा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और खास तौर से इतने बड़े दौर में 21वीं सदी में भी माउथ पब्लिसिटी बहुत बड़ी चीज है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना स्ट्रांग है, मगर सुबह सवेरे हर आदमी प्रिंट मीडिया की खबरों को पढ़ता है, अखबारात को, क्यों? इसलिए कि मीडिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, प्रोपेगेंडा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, माउथ पब्लिसिटी दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। 500 आदमी 5 दिन अगर एक आदमी को पागल पागल कहते रहे तो वो पागल हो जाएगा और पत्थर चलाने लगेगा, क्यों? इसलिए कि माउथ पब्लिसिटी और मीडिया, ये मैं कुछ कह रहा हूं, यही मेरी तकरीर की आज बुनियाद है कि माउथ पब्लिसिटी और मीडिया, यह सियासत, यह दुनिया की सबसे स्ट्रांग ताकत कल भी थी आज भी है। माउथ पब्लिसिटी बहुत बड़ी बात है, किसने नहीं देखा था कि अली काबे में पैदा हुए, किसने नहीं देखा था कि रसूल के साथ हर मौके और हर आन अमीरुल मोमिनीन साथ थे। जुलशीरा से लेके इस्लाम का कौन ऐसा वाकया है कि जिसमें अहले बैत शामिल हाल नहीं थे, या कौन ऐसी आयत है कि जो पैगंबर के लिए नाजिल हुई और उसके मिसदाक में आले मोहम्मद खुद शामिल ना हो, कौन सा ऐसा वाकया है कि जो इस्लाम का बगैर आले मोहम्मद के मुकम्मल हो गया। मुझे फजाइल नहीं सुनाना है, मगर आपके जहनों को मुअत्तर करना है असल मौजू की तरफ लाने के लिए। मगर तारीख बताती है
کہ پیغمبر کے بعد پروگنڈا، میڈیا، حکومتیں، سلطنتیں آل محمد کے خلاف ایسی ہوئیں کہ وزیر نے کہا شام کے کہ کیا کیا جا اہل بیت کی دشمنی میں، کہا گھبراؤ نہیں، حاکم کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، جن لوگ کی تاریخ پہ نظر ہے میں سنا رہا ہوں، میرے پیروں میں بھی حالات کی بیڑیاں ہیں، کہ حاکم نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم نسلوں کو علی کے خلاف کر دیں گے، اور جس واقعے کا حوالہ چاہیے جو صاحب کھڑے ہو کے چاہے پوچھ سکتے ہیں، کہا نسلوں کو علی کے خلاف ہم کر دیں گے، پروپیگنڈا اور ماؤتھ پبلسٹی ایسی کی جائے کہ نسلیں علی کے خلاف ہو جائے۔ چنانچہ شام نے کئی پروپیگنڈے کی اسکیمیں چلائی ہیں جو آپ تاریخ میں پڑھیں گے، دو اسکیم میں دو واقعات صرف آپ کو اس وقت سنا رہا ہوں۔ علی کے خلاف پیغمبر کے فوراً بعد پروپیگنڈا شروع ہو گیا، رسالت مآب کی وفات سنی 11 ہجری میں ہے، کربلا سنی 61 ہجری میں ہے، 50 سال کے بعد، 50 سال کا پیریڈ سنیے خرض خریدا کا، سنی 11 میں رسول کی وفات ہوئی، کربلا سن 60 اور 61 ہجری کا واقعہ ہے، یہ 50 سال کا پیریڈ بھی بچ رہا ہے۔ 50 سال کے پیریڈ میں کہا گیا نسلوں کو علی کے خلاف کر دیا جائے، کہا کیسے کیا جائے، شام کی حکومت 50 سال کی مضبوط حکومت ہے، کبھی اس کے گورنر کو ہٹایا نہیں گیا، کبھی اس حکومت کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا، سینٹرل میں کوئی حکومت آئے مگر اسٹیٹ کبھی ڈسٹرب نہیں ہوا، یہ اتنی پاورفل حکومت بنتی چلی گئی، کیسے وہ سب تاریخ میں آپ پڑھیں گے۔ اب میں آپ کو سنا رہا ہوں، چنانچہ پہلا پروپیگنڈا یہ کیا گیا، کبھی آپ نے سوچا کہ آخر حالات اتنے کیسے بدل گئے کہ اہل بیت شام کے جس گلی میں جائیں پتھر پڑے، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، جہاں گئے گرم پانی پھینکا جا رہا، اور جگہ تو حالات سے لڑے لوگ، مقابلہ بھی کیا ہے، ہر شہر میں ان کا سواگت نہیں ہوا ہے، خیر مقدم نہیں ہوا ہے، فوج یزید سے جنگیں بھی ہوئی ہیں، مگر شام میں جتنی زیادہ پتھروں کی بارش ہوئی، آگ کے گولوں کی بارش ہوئی، گرم پانیوں کی بارش ہوئی، وجہ کیا تھی، یہ پبلک اتنی زیادہ اہل بیت کے خلاف کیوں ہو گئی تھی؟ اب میں آپ کو خاکہ دیکھ رہا ہوں، پھر امام سجاد اور زینب کی عظمت کو آپ سمجھیے گا۔ لہذا خاکہ یہ دیا گیا، پروپیگنڈے کا اثر، شام میں فوج والوں کو سادے ڈریس میں بھیجا گیا، اور وہ رات میں ٹہلتے تھے، پھر میں کتابوں کے حوالے سے کہہ رہا، رات میں ٹہلتے تھے اور بچے ماں کی گود میں سوتے تھے، چارپائی پہ ہو یا گہوارے میں ہو، بغل میں ماں کی، مائیں سو رہی ہیں اور یہ نیم فوجی دستے جو سادے ڈریس میں چلتے تھے، اور جیسے ہی دیکھا کہ ماں کا ہاتھ ہٹ گیا فوراً بچوں کو اٹھا کے لے کے بھاگ جاتے تھے۔ بچوں کو رات بھر شام میں یہی کام ہوتا تھا کہ فوجیں سادے ڈریس میں امیر شام کی طرف سے لوگوں کے گھروں میں یا باہر جو بچے رہتے تھے ماں کے گودوں سے اٹھا لیتے تھے اور لے کے بھاگ جاتے تھے۔ جب رات کے کسی حصے میں ماں کی آنکھ کھلتی تھی تو دیکھتی تھی بغل میں بچہ نہیں، ماں کو سب سے زیادہ اولاد سے محبت ہے، شوہر سے بھی وہ لڑ جاتی ہے اپنی اولاد کے لیے، ممتا اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا، اب جب پہلو بدلا تو بچہ نہیں ہے، اب وہ گھبرا کے اٹھی، گھر میں دیکھ رہی ہے، دروازے پہ دیکھ رہی ہے، نہیں ہے تو اب گلیوں میں نکلی، تو کچھ سرکاری مولویوں کو بھیجا جاتا تھا جن کے ہاتھ میں تسبیح، دوسرے ہاتھ میں قرآن، اتنی بڑی داڑھی، گٹھے کا نشان، وہ رات میں پوچھتے تھے کیا ہو گیا، کیوں نکلی، وہ کہتی ارے ہمارے بچے کو کوئی لے کے چلا گیا، تو وہ ہاتھ میں تسبیح اور قرآن لے کے کہتا تھا اس قرآن کی قسم میں نے علی کو ادھر ہی لے جاتے دیکھا ہے، اس قرآن نے ٹھہری، ابھی میری بات کو آج میری تقریر ہونے دیجئے، کہ اس قرآن کی قسم میں نے علی کو ادھر ہی دیکھا ہے اور علی لے کے جا رہا ہے۔ کہا علی کیوں لے گیا، کہا تمہیں نہیں معلوم، کہا نہیں، کہا علی کو شوق ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی چانگ ٹیرنے کو، تمہیں علی معلوم نہیں ہے، علی خون پیتا ہے بچوں کا، تمہیں معلوم نہیں ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار کے قاقہ لگاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ جس عورت کو یہ بتایا جائے، جس ماں کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے بچے کو علی اٹھا لے گئے، اور علی درندے ہیں، استغفر اللہ اعظم باللہ، علی کو چھیڑنے میں مزہ آتا ہے، خون بہانے میں مزہ آتا ہے، بچوں کو کچلنے میں مزہ آتا ہے، وہ ماں علی کو اچھا کہے گی کہ برا کہے گی؟ علی کو وہ گالیاں دیتی تھی، اور صرف گالیاں نہیں دیتی تھی، اب جتنی اولادیں پیدا ہوتی تھی شیر پلا پلا کے کہتی تھی، بیٹا تمہیں معلوم ہے تمہارا ایک بھائی تھا جس کو علی ڈاکو اٹھا لے گیا، تمہارا ایک بھائی تھا علی سے بچ کے رہنا، وہ ڈاکو ہے، وہ پھاڑ کھاتا ہے، وہ چیر کھاتا ہے، اب وہ اپنے بھائی کو بلا رہا ہے، رشتہ داروں کو بلا رہا ہے، عزیز ہوا، یہ ماؤتھ پبلسٹی ہے جو گھر گھر علی کے خلاف جا رہی ہے پورے شام میں۔ یہ واقعہ سن 12-13 ہجری سے شروع ہو گیا ہے،
करबला सन 60 हिजरी में होगी। ये जो बच्चा है करबला में कम से कम 45-50 साल का है, वाकई करबला के वक्त। या अहले बैत जब शाम में आ रहे हैं तो यह बच्चा 45-50 साल का है, जिसको 50 साल से यह बताया गया कि अली डाकू ने तुम्हारे भाई को मार डाला, अली भाई को मार डाला, तुम्हारे भाई को मार डाला। एक वाकया, ऐसे हजारों वाकये तारीख में। दूसरा वाकया सुनिए, जो अनकल्चर्ड बद्दू गरीब लोग देहातों में पहाड़ों पर रहते थे, स्टेट की तरफ से उनको दुम्बी और बकरियां बांटी गई। 5 साल के बाद फौजों को भेजा गया के अमीर शाम ने तो ये दुम्बियां और बकरियां तुम्हारे गुजर बसर के लिए दे दी थी, मगर जब अली को पता चला तो उसने कहा बैतुल माल का माल इस तरह से बांटना नाजायज है, लिहाजा मैं बच्चों के वापस लो वरना हम तुम्हारे शहर पे हमला कर देंगे, और तुम्हें मालूम है कि वो कितना बड़ा ताकतवर है और डाकू है, इस तरह से शहरों को खराब कर देगा। लिहाजा अमीर शाम खौफ खा गया, वह कहता है मैं बच्चों को वापस करूं। यह कह के दिया जा रहा है कि अमीर ने दिया, यह कह के लिया जा रहा है कि अली ने वापस लिया। अब छोटे छोटे बच्चे हैं जो अली को बुरा भला कह रहे हैं, औरतें हैं जो अली को गालियां दे रहे हैं। इस तरह से दुश्मनी आले मोहम्मद को उनके फिक्र में, जहन में, शोर में वदियत शीर मादर से मुंतकिल की जा रही। यह है मामला असल। ऐसे हजार वाकये हैं, तरकीबें हैं जो तारीख में मिलेंगी। एक दो वाकये आपके जहनों को झिझोड़ने के लिए मैंने बयान कर दिया कि क्यों पत्थर पड़ रहे, जिसका नतीजा तारीख यह बताती है कि जब शाम में बच्चे खेलते थे तो दीवारों पर पॉइंट बनाते थे और उस पर अली लिखते थे, पत्थर मारते थे और कहते थे काश कि अली मिलता तो ऐसे ही हम उसका सर फोड़ देते। खेल खेल में यह दुश्मनियां ऐसी थी कि वह पॉइंट बनाते थे, उस पर अली लिखते थे। दूसरा वाकया, अब इससे बड़ा वाकया क्या होगा कि जो किसने इस वाकये को नहीं सुना है जो मैं आपको सुना रहा हूं, कि जब अली की शहादत की खबर शाम में पहुंची, जब शामी ने कहा अली मारे गए, कहां मारे गए, कहा मस्जिद में मारे गए, तो घबरा के कहता अली मस्जिद में किस लिए गया था, नमाज पढ़ने के लिए गया था, तो वो आंखों वो दांतों के नीचे उंगली दबा के कहता क्या अली भी नमाज पढ़ता था। आप सोचिए, ये है प्रोपेगंडा, जिसके घर से दुनिया ने नमाज सीखा, आज प्रोपेगंडे का यह असर है कि कहा जाता है कि क्या अली नमाज पढ़ते थे, अली को मस्जिद से क्या लगाओ। इसका मतलब यह है कि अली का किरदार तो मजरूह हुआ, एंटी इस्लाम अली को साबित किया गया कि अली बेदीन है, अली लामजाब है, अली तारकुस सलात है, न इनका कुरान से कोई वास्ता, न अल्लाह से कोई वास्ता, न नमाज और रोजा से कोई वास्ता। बस आपने सुन लिया, इसीलिए मैंने आपको रोका था हाथ जोड़ के कि आप यहां से सुन लीजिए। अब यहां से आप महसूस हो कि आप फजाइल सुने। ऐसा माहौल बना दिया गया था 50 साल से शाम का, जहां अली को बेदीन, जहां अली को लामजहब, जहां अली को चोर अस्तगफुरुल्लाह, जहां अली को बेदीन तारकुस सलात नमाज, ऐसे माहौल में वाकयात करबला हुआ। नहीं जरा अब आपने फिक्रों को महमेस करिए, देखिए मैं कहां लेके आ गया। अब यह मैं फजाइल आपको सुना रहा हूं और इंशाल्लाह जैसे आप रोज महसूस होते हैं वैसे रोज आज भी महसूस होंगे। अब यहां से किरदार सैयद सज्जाद सुनिए। मैं इसलिए दिखा रहा था कि देखिए कैसे खराब हालात बना दिए गए जिसको इमाम सज्जाद ने फेस किया और जनाब ज़ैनब ने फेस। मैंने इसलिए यह वाकया सुना, इसीलिए मैंने कई मजलिसों में मैंने यह बात कहा कि करबला सिर्फ करबला का नाम नहीं है, करबला 3 वायलून में है, करबला 3 पार्ट में है, करबला 3 जिल्दों में है, एक जिल्द मदीना, एक जिल्द करबला, एक जिल्द कूफा और शाम। इसीलिए इमाम मसलूम को मालूम था कि सैयद सज्जाद करबला में शहीद नहीं होंगे, मगर फिर लेके आए। क्यों लेके आए वो सुनिए, आप क्यों लेके आए। इमाम को मालूम था कि सज्जाद शहीद नहीं होंगे, मगर सज्जाद और ज़ैनब को साथ में क्यों लेके आए, इसलिए कि सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब के जिम्मे करबला और शाम का मामला। अगर ज़ैनब और सज्जाद न होते तो मैं चैलेंज से तारीख करबला पढ़ के कह रहा हूं कि यह करबला फरात में बह जाती और हम तक ना आती। अब कल रात के मईज में बीबी ज़ैनब के कमालात को सुनिएगा, आज इमाम सैयद सज्जाद के कमालात को सुन। इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, लाशें पामाल हो गए, जितना हो सकता था सब हो गया, उसके आगे अब कुछ नहीं। बीबियां असीर हो गई, चादरें छीन ली गई, ताजियाने मारे गए, सब कुछ हुआ। अब जो जुल्म है वो अपने आंग पे पहुंच चुका। वहां अली को बुरा भला कहा जाता, गालियां दी गई थी 45-50 साल में। यजीद ने दुश्मनी अहले बैत की इंतहा कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं, कत्ल कर दिया, पामाल कर दिया, बीबियों के असीर कर लिया, चादर। अब क्या कर सकते हैं उसके आगे।
बताया अब उससे बड़ा जुल्म कुछ हो सकता है? जो करना था सब यजीद ने कर दिया। अब यजीद चाह रहा था कि अपने पेट थपथपाए कि जो काम हमारे नहीं कर सके थे वो हमने कर दिया। अहले बैत को हद से ज्यादा जलील रुसवा किया, इसीलिए अपने रजस में उसने कहा कि काश के बद्र के मक्तूल नहीं होते तो देखते कि कितना अच्छा मैंने बदला लिया। क्या मतलब हुआ? इस बातों को अपने जहन में समझते रहिएगा। यानी यजीद ने यह समझा कि उस दुश्मनी को हमने नुक्ते कमाल तक पहुंचा दिया और जितना अहले बैत को हमने जलील करना था कर लिया, लिहाजा वाकई करबला तो 10 मुहर्रम को हुआ, अब अहले बैत सफर में शाम में पहुंच रहे हैं, लिहाजा पूरी दुनिया तो उस वक्त जो ग्लोबल था वो सब तो करबला में थे नहीं, लिहाजा पता कैसे चले कि करबला में क्या हुआ। यजीद का रूप, दबदबा, दहशत, शोहरत, इख्तदार, पावर दुनिया के सामने कैसे आए, ताकि यजीद अपना टेरर दिखाए। जब हुसैन को हमने कत्ल कर दिया तो किसकी हैसियत है? जब नवासे रसूल न टिका तो अब कौन हमारे सामने आएगा? लिहाजा उसने प्रोपेगंडे किए, हर जगह अपने आदमी भेजे, गाड़ियां भेजी, सवारियां भेजी, शाम में आओ हमारी हुकूमत देखो, शाम में आओ हम असीरों को बुला रहे हैं, हम मकतूलों को बुला रहे हैं, उनके वर्षा को बुला रहे हैं। हर शहर से मीडिया बुलाया गया, जितने लिखने पढ़ने वाले थे, जितने हुल्लड़ हंगामा करने वाले थे, सब को जमा किया गया, दमिश्क में शाम में बुलाया जा रहा है, इसलिए कि मीडिया की ताकत है ना, मीडिया ही तो लिखेगी। लिहाजा उस जमाने के मीडिया को रावी कहते थे। हर जगह से बुलाए गए, हिजाज से बुलाए जा रहे, मिस्र से बुलाए जा रहे, इराक से बुलाए जा रहे, एक महीने का मौका मिल गया है सबको जमा करने के लिए। यह जो कहा जाता है कि 700 कुर्सी नशीनों का मजमा, अभी 15 मिनट मैंने तकरीर किया है, आप खामोश सुने हैं, अब सारे जितने फजाइल हैं अब इसके बाद आ रहे हैं, देखता हूं कि कौन मोमिन खामोशी से बैठेगा। आपके कलेजे में हलचल पैदा होगी और मोहब्बत अली का अब खून दौड़ेगा कि ऐसे माहौल में 700 कुर्सी नशीन नहीं, जाइए ज़ियारत करिएगा तो देखिएगा कितनी बड़ी मस्जिद अमवी है, हजारों का मजमा था, हाल अंदर भरा, बरामदा भरा, सहन भरा, सड़कें भरी, रोड पे लोग हैं, चारों तरफ ऐलान हो रहा है, आज क्रिश्चियन भी आए, यहूदी भी आए, गैर मुस्लिम भी आए, सब मस्जिद में आए। क्यों? इसलिए कि आज दरबार बना हुआ है, हमारी तमकनत देखें, हमारा रोब देखें, हमारा टेरर देखें, हमारी दहशत देखें, ताकि करबला को दुनिया में बताएं कि कैसे कैसे हुसैन मारे गए, कैसे कैसे कत्ल किए गए। इसीलिए अहले बैत को 3 दिन तक फिराया गया ताकि दरबार सज जाए। और यह जज्बा इंतकाम में लोग पत्थर मार रहे थे, ढेले मार रहे थे, क्यों? वही अली की औलादे हैं, वही अली की औलादे हैं जिनसे हमें बदला लेना है, जिसने हमारे बाप को मारा, दादा को मारा, भाई को मारा, चाचा को मारा। ऐसे आलम में यजीद ने कहा कि अब मौका अच्छा आ गया, हमने उन्हें दरबार में बुलाया है, जिसको बदला लेना हो ले, जिसको इंतकाम लेना हो ले, जिसको जलील करना हो करे, जिसको टॉर्चर करना हो करे, जिसको जबान से अजियत पहचाना हो सब आए, ठाठे मारता हुआ मजमा। अजीजों, आप मेरी तकरीर को इस वक्त नहीं समझ पा रहे हैं, मैं अपना कलेजा निकाल रहा हूं, इसलिए कि स्टेट का पावर अलग होता है। यजीद पावरफुल बादशाह था, यजीद मुतलकुल एनान बादशाह था, पूरी दुनिया में यजीद की हुकूमत थी, सिर्फ इंडिया और चाइना पे यजीद की हुकूमत नहीं थी। उस वक्त पूरी दुनिया का जो मैप था, यजीद वीटो पावर था। जरा अपने रोजे तोड़िए, यजीद वाइटो पावर था, यजीद एक पावरफुल बादशाह था, मुतलकुल एनान बादशाह था। यजीद के सामने कोई सांस नहीं लेता था, कोई अमीरुल मोमिनीन कहता था, कोई खलीफतुल मुस्लिमीन कहता था, कोई रसूलुल्लाह कह के पुकारता था, झुक झुक के सलाम, हुल्लड़ हंगामा करने वाले का हुजूम। ऐसे माहौल में सैयद सज्जाद लाए गए। अब आपको अंदाजा नहीं होगा कि यजीद कितना पावरफुल बादशाह था। रोम के वजीर ने सांस लिया तो दरबार में कत्ल कर दिया गया। यजीद के सामने कोई बोल नहीं सकता था, ऐसे में कैदी लाए गए और ऐसे में सैयद सज्जाद ने यजीद को फेस किया है। और मौला के कमालात को आप समझिए, इमाम सैयद सज्जाद के शुजात को समझिए, इसलिए कि आप ज्यादा नारे नहीं लगा पा रहे, समझ नहीं पा रहे, इसलिए कि आपके नजदीक यजीद फुटबॉल बना हुआ है। आज हमारे मोमिनीन के दरमियान में यजीद बौना दिखाई देता है, फुटबॉल, छोटा छोटा बच्चा, यजीद मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद। अरे यजीद इतना बौना नहीं था, यजीद को बौना सैयद सज्जाद ने उसके दरबार में किया। इमाम सैयद सज्जाद इब्ने हुसैन।
50 साल की अपने अजदाद की मेहनतों को यजीद पाए कमाल तक पहुंचा रहा था और कैदी भी देख रहा था कि आओ मुकाबले में। चुनांचे हुल्लड़ हंगामा, मीडिया सब जमा थे और जब आके बैठ गए तो करीब 10 फीट की ऊंचाई पर यजीद का तख्त है जो आज भी लोग देखते हैं और सामने अहले बैत इस तरह से यजीद आके तख्त पे बैठा और बैठने के बाद कहता कैदी को लाया जाए। इमाम सैयद सज्जाद को लाके बीबियों के पास नहीं मेंबर के सामने बैठाला गया, मेंबर के सामने बैठाला गया, पूरा मजमा कीप साइलेंट है। यजीद इतना पावरफुल बादशाह है, सांस नहीं कोई लेता। कैदी बैठाला गया। अब वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी सुना रहा हूं कि कैदी को बैठाला गया। अपने नमकखार खतीब से कहा, जुमे का दिन है, ठाठे मारता हुआ मजमा, खतीब से कहा जाओ मेंबर पर, हमारी तारीफ करो, इनकी तजलील करो। खतीब मेंबर पे आया और पूरे हक के नमक उसने अदा किया, हद से ज्यादा बनी उमैया की तारीफ किया, यजीद के कसीदे पढ़े हद से ज्यादा। इमाम सब्र करते रहे। उसके बाद उसकी जुरत इतनी बढ़ी कि भरे दरबार में अहले बैत को बुरा भला कहने लगा, अली को शहजादी को बुरा भला कहने लगा। जब पानी सर से ऊपर हो गया, अब देखता हूं कौन खामोशी से सुनता है, जब पानी सर से ऊपर हो गया तकमतो अली के पोते ने तौको बेड़ियों संजीर को संभाला और अपनी आंखों को खतीब की आंखों में ऐसे डाल के देखा जैसे इनके दादा की जुल्फिकार लोगों की नस्लों को देखती थी। जैसे इनके दादा के जुल्फिकार सज्जाद की शुजात देखिए, जैसे इनके दादा के जुल्फिकार नस्लों को देखती है, आंखों में आकर डाल के हैदरी लहजे में कहा, लानत हो तुझ पर, इसको खुश करने के लिए खुदा का गजब और जहन्नम खरीद रहा है। कितनी कनज थी कैदी की आवाज, भरे मजमे में कहते हैं कैदी तुझ पे खुदा की लानत हो, क्या इसको खुश करने के लिए खुदा का गजब और जहन्नम तू खरीद रहा है। उधर मेंबर्स तारीख कहते हो कांपने लगा, मेंबर्स उतर आए, इतना रोब थक उतर गया। उसके बाद इमाम उसी गैज में मुड़े तक की तरफ यजीद की तरफ और जो दो जुमले कहे हैं अगर इसी की कदर कर लिया तो मेरी मजीद की मेहनत सुवारत हो जाएगी। मुड़े और कहते अज़िल या यजीद ओ तिहालिल आबाद आयन वापेदा, ए यजीद, नहीं तवज्जो किया आपने, ए यजीद, ए यजीद जिसे सारी दुनिया अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन न जाने कितने कितने अलकाब से नवाज रही थी, इमाम ने उसे यजीद कहके पुकारा, ए यजीद मुझे भी इजाजत दे के मैं इस लकड़ी के ढांचे में जाके कहूं। आवाज के माने लकड़ी का ढांचा। मैं कहूंगा सज्जान आप दमिश्क के जामा मस्जिद के मेंबर में बैठे हैं, आप कह रहे हैं लकड़ी का ढांचा, दुनिया क्या कहेगी? आप मेंबर कहिए इसे लकड़ी का ढांचा क्यों कह रखा? खामोश, तुझे नहीं मालूम मेंबर चला है मेरे दादा अली से और गदीर से, मेंबर चला है मेरे दादा अली से गदीर से। लिहाजा जिस मेंबर पे हमारी तारीफ होगी वो मेंबर है, जहां से हमें बुरा भला कहा जाए वो लकड़ी का ढांचा है, उसे मेंबर न कहना जलाने के काबिल। अब सारा मजमा कहने लगा ये कैसा कैदी, ना अमीर कह रहा है ना कुछ कह रहा, यजीद कह के पुकारा। तो पहला तो हमला सज्जाद ने किया, अज़िन ले या यजीद, एक ही साथ कहा, मैं तो टुकड़े टुकड़े कर रहा हूं इसलिए तर्जमा सुनाऊ आप, ए यजीद मुझे भी इजाजत दे कि मैं लकड़ी के ढांचे पे कुछ कहूं जिसमें अल्लाह रसूल की बातें हो और इनको भी कुछ सवाब हासिल हो जाए। अब फ्री का सवाब कौन नहीं चाहता? अब जितना मजमा था अब सज्जाद कह के इतना चुप हो गए, यजीद मुझे भी इजाजत दे कि मैं लकड़ी के ढांचे पे जाके कुछ कहूं जो अल्लाह रसूल की बातें हो और इनको भी कुछ सवाब मिले। अब जितने थे वो केहनिया चलने लगे, अबे ये कैदी क्या कह रहा, अल्लाह रसूल की बात करेगा हमको सवाब मिलेगा, इसको अल्लाह रसूल से क्या मतलब? 50 साल से यही बताया गया ना, बेदीन ला मजहब तारको सलाह चोर बदमाश है। अब एक दूसरे से कान में कह रहा ये अल्लाह रसूल से, अल्लाह से क्या मतलब जी, इसको अल्लाह से क्या मतलब है? अरे मेरी तरफ देखिए मैं कैसे अदा कर रहा हूं इसको, उस वक्त तो ये वीडियोग्राफी नहीं हुई वरना क्या पोजिशन होती, इसको अल्लाह रसूल से क्या मतलब? ये कह रहा हम अल्लाह रसूल की बातें बताएंगे सवाब इसको। अब मजमा कर हां कहे तो रहा, कहे तो रहा कुछ गड़बड़ है नहीं तो, इसको अल्लाह रसूल, अरे कहा चुप बैठ,
कह तो रहा यजीद के सामने, वो तो कुछ नहीं बोल रहा है भाई। जिसने बताया कि ये बेदीन और लामाजाब है, उसे के मुंह बेकार अल्लाह रसूल की बात है। तो देखो यजीद कुछ कहता है नहीं, ये तो कुछ नहीं बोल रहा है, और यजीद के सामने कह रहा कि अल्लाह रसूल की बातें होंगी सवाब की। अब लोगों के हौसले बुलंद हुए, इसलिए हर आदमी नई चीज जानना चाहता। अब कुछ है मामला, जानो क्या हुआ। अब मीडिया था ना, तो मीडिया तो हर चीज को जानना चाहता कि मामला क्या हुआ। अब सबके कलम और कागज रुक गए, अब कुछ नहीं रिपोर्टिंग हो रही। अब ये क्या कह रहा अल्लाह रसूल की बात है, और यजीद तो कुछ नहीं बोल रहा। देखो इसको पसीने निकल रहे हैं, ये पसीने निकल रहे हैं। और अब तो इमाम बिल्कुल खामोश हो गए, एक चिंगारी छोड़ दी, इमाम खामोश हो गए। अब जो मजमे का वीआईपी ग्रुप था 10-20 का, उसने आहिस्ता से कहा, अमीर इजाजत दे देना कैदी को, देखें या क्या अल्लाह रसूल की बातें करेगा। यजीद चुप। अब 50 के बजाय 100 अमीर बोले, अमीर अमीर, थोड़ा आवाज बुलंद हुई, अमीर अमीरुल मोमिनीन इजाजत दीजिए, देखें या क्या आपके दरबार में अल्लाह रसूल की बातें करेगा। अब यजीद अनसुनी कर रहा है, अब यजीद अनसुनी कर रहा है। अब जब देखा कि यजीद तो नहीं कुछ बोल रहा है, तब मजमा बोलने लगा। अब 10,000 5,000 जो भी मजमा था, अब दो आवाज बुलंद, अमीर इजाजत दे दे, अमीर इजाजत दे दे, देखे अल्लाह रसूल की बात है, ये कैदी क्या करेगा। अब देखे यजीद कैसे अपने जाल में फंस रहा, बुने हुए जाल में। इमाम कैदी तो चुप है, अब मजमा कह रहा अमीर इजाजत देना, देखे अल्लाह रसूल की बात है क्या करेगा। देखे अब इस जुमले के अगर आपने कदर नहीं की, तुम्हारी बेल दशगनी होगी। देखे अपने बुने जाल में कैसे फंस रहा। अब मजमा जब बाबा से बलन कहने लगा, और मजमा यजीद की गिरफ्त से फिसलने लगा, अमीर इजाजत दे, अमीर इजाजत दे, यह कैदी क्या अल्लाह रसूल की बात है करेगा। एक मत यजीद डांट के कहते, खामोश, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम ये कौन है। मजमे ने कहा, नहीं हमें नहीं मालूम कौन है। का ये मेंबर पे जाएंगे तो हमें बुरा भला कहेंगे। हाय रे मजबूरी, ये मेंबर पे जाएंगे तो हमें बुरा भला कहेंगे। वो मजमा खड़ा हो गया, अमीर तू तो मुतलकुल अनान बादशाह है, सारी दुनिया तुझसे डर रही है, आज तू अपने कैदी से डर रहा है, आज तू अपने कैदी से डर रहा है। सारी दुनिया तुझसे रोब खाती, सारी दुनिया तुझसे रोब खाती है, सारी दुनिया तुझसे, ये तेरा कैदी है, हथकड़ियां तेरी, बेड़ियां तेरी, इसके बाप को मारा, खानदान को मारा, ये कैदी से क्यों तू डर रहा है, ये क्या तुझे बुरा भला कहेगा। हथकड़ियां तेरी, पैरियां तेरी। अब यजीद के पास कोई फरार का रास्ता न था। अब देखे कैसे जाल दर जाल फंसता चला जा रहा। अब फिर मजमा कह रहा, यजीद तू अपने कैदी से डर रहा, अमीर अपने कैदी से डर रहा, अमीरुल मोमिनीन अपने कैदी से डर रहे हैं, अमीर अपने कैदी से डर रहे हैं, अमीर अपने कैदी से डर रहे। वो कह रहे, नहीं हम कैदी से नहीं डर रहे। कहा तुम्हें इजाजत क्यों नहीं देता, कहा तुम्हें नहीं मालूम कि ये कौन है। कहा कौन है, कहा इनके मुंह में मोहम्मद का इल्म है। बैठो, आगे पीछे मत, तो एक जगह बैठा दो, एक मत और सलवात पढ़ दे, मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये कहकर यजीद अपने जाल में फंस गया। कहा तुम्हें नहीं मालूम कि इनके जहन में मोहम्मद का इल्म है, इनको ऐसे इल्म ठुसाया जाता है जैसे चिड़िया अपने बच्चे के मुंह में दाना ठूसती। इनके दहन में जो सज्जाद कहते तो पत्थर चलता, वो यजीद ने खुद कह दिया कि इनके मुंह में मोहम्मद का इल्म है। जैसे उसने कहा मोहम्मद का इल्म है, मजमा खड़ा हो गया। यजीद तूने तो बताया था कि ये बेदीन है, ये लामाजाब है, ये तारको सलात है, ये चोर है, ये डाकू है, और तू कहता है इनके दहन में मोहम्मद का इल्म है। तो पैगंबर को तो गए 50 साल इस दुनिया से हो गए, हमने मोहम्मद का लहजा नहीं सुना, उनका तर्ज तकल्लुम नहीं देखा, उनकी तकरीर नहीं देखी, उनका अंदाज नहीं देखा, उनका वजाहत नहीं देखी। जाने दे मेंबर पे ताकि देखे कि मोहम्मद का तर्ज तकल्लुम क्या है, मोहम्मद का तर्ज तकरीर क्या है, मोहम्मद के खुतबे का अंदाज क्या है। अब यजीद मजबूर हो गया, अब यजीद मजबूर हो गया, कोई रास्ता यजीद के पास नहीं था। तो यजीद ने मजबूरन कहा, अच्छा जाइए मेंबर पर। अब इमाम आए मेंबर पे बैठे। अब यह हमारे उर्दू जबान की मजबूरी है कि मैं ये कह रहा हूं आपको समझाने के लिए, मौला माफ फरमाएंगे, उनकी शायान शान जुमला नहीं है, मैं फिर मौला से माफी मांगता हूं, मगर यह उर्दू जबान की मजबूरी है कि मुझे समझाना है। अब इमाम के लिए दिक्कत यह है कि अपनी तकरीर शुरू कैसे करें, इसलिए कि इनके हाथों में पत्थर है,
यह जज्बा इंतकाम के लिए दरबार में आए। अभी यह अली को बेदीन और लामाजब तारकुसलाद न जाने जो 50 साल की मेहनतें हैं, जो इनका ब्रेन वॉश किया गया है, वो सब मौजूद। अब अगर सैयद सज्जाद ये कहें कि मैं अली का बेटा हूं तो पत्थर चले, गर्म पानी फेंके जाएं। अगर ये कहें कि मैं हुसैन का बेटा हूं, पत्थर मारे जाएंगे। मगर वह इमाम कौन? देखिए मजलिस में जितना ज्यादा सस्पेंस होगा उतने ही आप नारे लगाएंगे और उतने ही तारीफ करेंगे। आपको पहले ही पता चल गया हम ये कहने वाले हैं तो थोड़ी आप नारा लगाएंगे। जिसको खिताबत करने का शौक हो, जाकरी करने का शौक हो, वो चौथे इमाम का शाम का खुतबा जरूर सुने। देखिए कितने सस्पेंस, नारे कितने लगते हैं। इमाम फरमाते हैं, इमाम ने कहीं अब अली का नाम लेंगे तो पत्थर चलेगा। इमाम बैठे, सस्पेंस देखिए कैसे कंट्रोल कर रहे हैं मजमे को। जब मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, इमाम के जुमले कह रहा हूं, तो आप इतने वज़्न में आ रहे हैं, तो जब आका सुनाएंगे तो क्या आलम। एक खुतबा शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अय्युहन्नास, ए लोगो, तुम जानना चाहते हो कि हम कौन हैं? तुम जानना चाहते हो कि हम कौन हैं? तुम पहचानना चाहते हो तो कौन है? तो जो जानना चाहता है वो जान ले, जो पहचानना चाहता है वो पहचान ले। यमना सफा वल मरवा, यमना हिल्लो वल हरम, यमना बथा वल मक्का, यमना जमजम हरवा। मैं सफा का बेटा हूं, काबे से कोई डिस्प्यूट नहीं है ना। मैं सफा का बेटा हूं, मैं मरवा का बेटा हूं, मैं हिल्लो हरम का बेटा हूं, मैं खाने काबा का बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं क्या जिसके चादर में हजरे अस्वद जाके नसब हुआ है? मैं उसका बेटा हूं जिसने अपने हाथ से हजरे अस्वद को नफल किया है? मैं उसका बेटा हूं कि सारी दुनिया हजरे अस्वद का बोसा लेती है, हजरे अस्वद उनके हाथ का बोसा लेता है? मैं उसका बेटा हूं जो ऐन खाने काबा में पैदा हुआ? मैं उसका बेटा हूं कि जिसकी मां काबे के करीब आई तो उसके विलादत के लिए दीवार में दर पैदा हो गया? मैं उसका बेटा हूं कि जिसने नबी के हाथ पर तौरे तो इंजील और ज़बूर की तलावत किया? मैं उसका बेटा हूं कि जिसने नुज़ूल कुरान से पहले 10 मुरसल पर कुरान सुनाया? मैं उसका बेटा हूं जो हर जंग में रसूल का नासिर और मददगार था? मैं उसका बेटा हूं कि जो ज़ुल्हशिया में रसूल की नुसरत करने वाला था? मैं उसका बेटा हूं कि जो हर जंगों में परचम इस्लाम को बुलंद करने वाला था? मैं उसका बेटा हूं कि जिसने बद्र के कुएं से पानी निकाला? मैं उसका बेटा हूं कि जिसके हाथ में अल्लाह ने आसमान से ज़ुल्फ़िकार नाज़िल किया? मैं उसका बेटा हूं कि जिसने कुफार और मुनाफिकीन की गर्दनों को तोड़ दिया? मैं उसका बेटा हूं जिसने खैबर के किले को फतह किया? मैं उसका बेटा हूं जो मुबाहले में नफ्स रसूल बन के गया? मैं उसका बेटा हूं जो बिस्तर रसूल पे सो के रसूल की जान बचा दी? मैं उसका बेटा हूं कि अर्श से फर्श तक मलाइका जिसके यहां आया जाया करते थे? मैं वो घर क्या जिस घर में फरिश्ते आया करते थे? मैं उस घर का बेटा हूं जिस घर में जन्नत से खाने आया करते थे? मैं उस घर का बेटा हूं कि मोहम्मद जहां जाके सलाम किया करते थे? मैं उस घर का बेटा हूं कि जिसके दोष पे पैगंबर बुलंद करके जाया करते थे? मैं उसका बेटा हूं कि जिसके लिए पैगंबर ने सजदे को तोल दे दिया? मैं उसका बेटा हूं कि जिसके लिए पैगंबर नाका बन गए थे? मैं उसका बेटा हूं कि जो रसूल का नासिर और मददगार था? मैं उसका बेटा हूं कि जो मेराज में पैगंबर का हमसफर था? मैं उसका बेटा हूं कि जिसके लहजे में मेराज में खुदा ने बात ही किया है? मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं कि मेराज में जिसके लहजे में खुदा ने बातें की है? मैं उसका बेटा हूं कि जो मेराज में पैगंबर से पहले पहुंचा और फर्श पे मोहम्मद से पहले आया? जो मेराज में पैगंबर से पहले पहुंचा, फर्श में मोहम्मद से पहले आया, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं। बैकवत और शामी अपनी जगह से खड़े होकर कहते हैं, एहसास, तुझे इज्जत की कसम है कि आगे ना बढ़ना, बस बता कि यह शख्स कौन था जो इतने कमालात लेके दुनिया में आया, जो इतने कमालात लेके दुनिया में आया और वापस चला गया? हमने आज तक उसका नाम नहीं सुना, हमने उसे पहचाना नहीं। का जानना चाहे तो जान लो, 313 आयतें कुरान में उसी के लिए है, इन्नमा उसी के लिए है, हलता उसी के लिए है, आयत तथहीर उसी के लिए है, मुबाहला उसी के लिए है, मुवद्दत का हुक्म उसी के लिए है, मुबाहले की आयतें उसी के लिए है। बहमत शामी अपने सरों को दीवारों में मार के कहते हैं, कल दी, फिर मैंने कहा कि तुझ पर उस जात की कसम है कि बस नाम बता, अब कमाला सुनने की गुंजाइश हमारे अंदर नहीं है, हमारे सीने फटे जा रहे हैं कि इतने मर्द बवकार को हमने नहीं पहचाना, वो कौन था? बेकमत सैयद सज्जाद कहते, नाम बताता हूं, उस मर्द बवकार का नाम अली इब्ने अबी तालिब था, जो मेरा दादा था, उसका बेटा हुसैन इब्ने अली था, जो मेरा बाप था, जिसे करबला में बेबर्दी से मार दिया गया। अभी मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, जिसे करबला में बड़ी बेदर्दी से मारा गया, वह उसी अली का बेटा था। बैकमत जितना मजमा था खड़ा हो गया और यजीद की तरफ देख के कहता, बोल यजीद, तुमने तो बताया था
कि अली चोर हैं, बेदीन हैं, डाकू हैं, लामजाब हैं, तारक सलात हैं, ये क्या कैदी बता रहा। यह है इमाम सज्जाद का कमाल। बता, तुमने तो 50 साल से यह हमको रटाया था, आज ये मेंबर से कैदी क्या कह रहा है इतने कमालात, बोल। अब यजीद के पास कोई जवाब नहीं है, खामोश हो गया। अब मजमा पूछ रहा है, बोलता क्यों नहीं यजीद, बोलता क्यों नहीं यजीद, बोलता क्यों नहीं यजीद। भाई इमाम ने मुस्कुरा के कहा, बता यजीद, बताना मजमे को। मजमा पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, ये तेरा मजमा है ना, देता क्यों नहीं जवाब अपने मजमे को, ये क्या सवाल कर रहे हैं। यजीद घबराया हुआ है, मजमा बिफरा चला जा रहा है, यजीद के पास कोई जवाब न था। तो अल्लामा मुहक्किक कहते हैं, उसने फौरन अपने नमखारों को बुलाया और कहा, अजान दो, अजान दो। अक्सर लोग कहते हैं कि सज्जाद की तकरीर रोकने के लिए अजान दी थी, नहीं, यजीद इतना बेवकूफ नहीं था। वो यजीद जानता था कि तकरीर सज्जाद की मुकम्मल हो गई, इसलिए कि करबला तक आ गए इमाम सज्जाद। अब इसके आगे क्या कहेंगे, अपने असीरों का भी जिक्र कर दिया, वो चूंकि मसायब था इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। अब खुद ब खुद इमाम की तकरीर खत्म हो रही, यजीद ने, मेरी तहकीक यह है कि यजीद ने जो अजान दिलवाई वो सिर्फ इसलिए कि हमारी पुरानी पोजीशन बहाल हो जाए, पुरानी पोजीशन बहाल हो जाए। और उस बहाल होने की एक ही सूरत थी कि जब हम अजान दिलवाएंगे, चाहे बरमहल हो या बेमहल हो, तो आप वज्द में सैयद सज्जाद गुस्से में मजमे से कहेंगे, देखा तुमने, देखा तुमने, इसने हमारी तकरीर रोकने के लिए अजान दिलवा दी। और जहां ये कह देंगे वहीं हमारा मसला हल हो जाएगा, फौरन नमाखार उलमा को खड़ा करा देंगे और मजमे से कहेंगे, अच्छा देखो यजीद ने बेमहल दिया हो या बरमहल दिया हो, अजान ही तो दिलवाई, अल्लाह ही रसूल का तो नाम लेना बिगड़ गए, या असल में यजीद से दुश्मनी इनकी खानदानी है, लिहाजा ये खानदानी बनी हाशिमा बनी उमैया की दुश्मनी है, इसलिए ये टेंशन में ऐसी बातें कह रहे हैं, वरना तो अल्लाह रसूल का नाम ले रहा है, अल्लाह रसूल के नाम में कौन सी बात है, ये झगड़ा कर गए। जहां ये कहेंगे वहीं खानदानी दुश्मनी में पूरे वाकयाते करबला और अहले बैत के किरदार को लपेट के हम दफन करवा देंगे। ये थी यजीद की पॉलिसी, मगर उस अहमक को नहीं मालूम कि वह इमाम नहीं जो नब्ज कायनात पर निगाह न रखे, वो डॉक्टर क्या जो मरस और मरस का इलाज न जाने, वो तबीब कौन जो मरस और मरस का इलाज न जाने। पूरी कायनात के नब्ज इमाम वक्त के हाथ में होती है, बट जैसे उसने मुअज्जिन से कहा अजान दो, मुअज्जिन ने जाके कहा अल्लाहु अकबर, फौरन इमाम ने तकरीर रोक दिया और फरमाया परवरदिगार तेरा यह बंदा गवाही देता है कि तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अब इमाम ने लहन दाऊदी में जवाब दिया, जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, इमाम ने रो के कहा वाकियन परवरदगार इन्ना मिन शेरी व जसदी व लहमी व दहमी अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, ए परवरदगार मेरा नफ्स, मेरा वजूद, मेरा गोश्त, मेरे खून, मेरे आजा और जवारे, हत्ता के मेरे बदन के रोए रोए इस बात की गवाही देते हैं कि तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। ऐसी तस्वीर हो तहलील की आवाज शामियों ने कभी सुनी नहीं थी, फिर शामी रो के खड़े हो गए, यजीद वाकयन ये इब्ने रसूल है, वाकयन फरजंदे रसूल है, ऐसी तस्वीर हो तहलील की आवाज हमने कभी नहीं सुनी, ऐसी तमजीद हमने कभी नहीं सुनी, ऐसी तकदीस हमने कभी नहीं सुनी। अब मजमा रो ही रहा था कि मुअज्जिन ने कह दिया अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, भाई इमाम ने कहा किफ या मुअज्जिन हाउला इस्मा, ए मुअज्जिन तुझे इस्लाम की कसम है कि अब रुक जा, हमें अपनी बात कहने दे। मुअज्जिन रुक गया, फिर इमाम मुड़े यजीद की तरफ, कुल अम जद्दुक या जद्दुक, ए यजीद बता इस मजमे को ये जो नाम ले रहा है ये तेरे नाना का नाम है कि मेरे नाना का। कुल कुल अम जद्दुक या जद्दुक, बोलता क्यों नहीं, ये जो अजान तूने दिलवाया है खुद ना, उस अजान में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है ये तेरा नाना है कि मेरा नाना। अगर तू तो कहेगा कि तेरा नाना है तो यह मजमा गवाह है कि तू झूठ बोल रहा और जहन्नम खरीद रहा है, और अगर कहता है कि मेरा नाना, तो एक तरफ तो मेरे नाना का नाम लेके मुसलमान बनने का ऐलान कर रहा है और दूसरी तरफ उसके नवासे के हाथों में हथकड़ियां डाल रहा है। मसाइब नहीं सुनिए आप, नहीं मसाइब नहीं, एक जुमला सुनिए, यजीद ने मेरे सैयद सज्जाद पे करोड़ों सलाम आका पर, यजीद ने जिस असलहे को इमाम सज्जाद की तरफ चलाया था
इमाम ने उसी अजाल के असलहे को सैकल करके यजीद की तरफ वापस कर दिया, उसी असलहे को वापस कर दिया जिस चीज को इमाम की तरफ चला, इमाम ने उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह को उसकी तरफ वापस किया और कहा बोल तेरा नाना है कि मेरा नाना है। अब यजीद के पास कोई जवाब नहीं था, बता ये जो। उसके बाद अब मुड़े शामियों की तरफ, ये शामियों पूछते क्यों नहीं, पूछते क्यों नहीं, एक तरफ तो मेरे नाना का नाम अजान में लिया जा रहा है, उसी का कलमा पढ़ के तुम सब मुसलमान हो रहे, नमाज में उसका नाम, अजान में उसका नाम, दूसरी तरफ उसकी औलाद के साथ यह सलूक किया जा रहा है जो दैर हलम के कैदियों के साथ रवा किया जा रहा, क्या यह जायज है, पूछते क्यों नहीं शामियों। तारीख कहती है कि शामी अपने सरों को दीवारों पर मार रहे थे और यजीद से कह रहे थे अहलकुन्नास अहलकुन्नास अहलकुन्नास, ए यजीद अब हम हलाक हो गए, हमारे अजदाद भी हलाक हो गए, अब हम कभी बख्शे नहीं जाएंगे इसलिए कि तुमने बहुत हमें गुमराह कर दिया। पूरे शामी अपने सरों को मार रहे थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि बगैर नमाज पढ़े हुए यजीद वहीं से पीछे से अपने महल के अंदर चला गया। मजमा बुलाया यजीद का था, मजमा बुलाया, मजमा बुलाया यजीद का था, तख्त यजीद का, दरबार यजीद का, मेंबर यजीद का, कब्जा सैयद सज्जाद का था, कब्जा सैयद सज्जाद का था। और अब सैयद सज्जाद ने जो खुतबा दिया है वह आप सुनेंगे। सैयद सज्जाद ने अब खुतबा देना शुरू किया और शामियों की तंबीह करना शुरू किया। सैयद सज्जाद का एक कमाल कि जो काम बनी उमैया ने 50 साल में इतनी दौलत और मेहनतों से करके अहले बैत के चेहरे पर एक नकाब डाल दी थी, इमाम सज्जाद की एक तकरीर ने अपने अजदाद के चेहरे से नकाब हटा के साफ और शफाफ दुनिया के सामने रख दिया और बनी उमैया के चेहरे पे जो इस्लाम की नकाब थी उसे नोच के यजीद को बरहना कर दिया। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद, अब मजमा अच्छी तरह से जान गया, अच्छी तरह से जान गया हुसैन कौन है, यजीद कौन है, अली कौन है, अहले बैत कौन है, वारिस दीन और मोहम्मद कौन है। सैयद सज्जाद का यह सबसे बड़ा कमाल था इमाम अली मकाम का। और उसके बाद इमाम अली मकाम ने खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद सारी बातें शामियों के सामने रख दिया। जो शामी पत्थर लेके आए थे वो रोते हुए जाने लगे और शामी कहने लगे कि अहलकुन्नास अहलकुन्नास, ए लोगो हम हलाक हो गए, अब हमारी बख्शिश का कोई सामान नहीं, इसलिए कि अली आए इस दुनिया में, हम चले गए, हमने नहीं पहचाना। और उसी दिन से बनी उमैया के खिलाफ शाम में महाजाराइयां शुरू हो गई। अब मैं ये चाहता हूं कि चूंकि ये शबे अरबईन है और कल अरबईन है, कल रात की जो मजलिस होगी उसमें मैं ये दिखाऊंगा कि शहजादी ज़ैनब का दरबार यजीद में क्या कारनामा था, क्या कारनामा था। ये फूफी भतीजों ने मिलकर यजीद के दरबार में यजीद की कब्र खोद दी। नहीं अब हजार मजलिस पढ़ू तो मेरे पास तो कम से कम इतना बड़ा जुमला नहीं है। आपको मोहब्बत सज्जाद और मोहब्बत ज़ैनब की कसम, बीबी ज़ैनब का भी खुतबा कल मैं सुनाऊंगा आपको, दोनों खुतबे को उर्दू में, अंग्रेजी में, अरबी में, फारसी में, जिस जबान में आपको पढ़ना हो, एक एक लफ्ज को पढ़िए, एक एक लफ्ज को पढ़िए। 28 बार ज़ैनब ने अपने खुतबे में यजीद यजीद यजीद, 16 बार सैयद सज्जाद ने बोल यजीद बोल यजीद बोल यजीद बोल यजीद बोल यजीद। अमा सैयद सज्जाद और ज़ैनब के खुतबे पढ़िए, एक एक लफ्ज से कहीं लगता है कि कैदी हाकिम से बात कर रहे हैं। नहीं समझाओ, नहीं मेरे जुमले को आपने जाया किया, जो बड़ा जुमला कहा, चाहे सज्जाद का खुतबा हो या ज़ैनब का खुतबा हो, कहीं लफ्ज लफ्ज से लगता है कि कैदी हाकिम से बात कर रहे। ज़ैनब और सज्जाद के हर लफ्ज से लगता है कि कोई बाजबरूत हाकिम अपने नमक हराम गुलाम को डांट रहा हो। अपने नमक हराम गद्दार बागी गुलाम को डांट रहा हूं और उसको बोलने की मोहलत ना दे। बैठ यजीद बोल यजीद बोल यजीद, दे जवाब, देना क्यों नहीं जवाब। इस तरह से सैयद सज्जाद
और जैनब का उसका मार को तुलारा खुतबा है जो जनाब जैनब ने यजीद को सांस नहीं लेने दिया, और वो जनाब जैनब ने अपने भाई की फतह का ऐलान दरबार यजीद में किया है, वो कल आप समाप्त फरमाएं। अब चूंकि वक्त मुकम्मल हो रहा है तो कुछ जनाब सईद सज्जाद और बाकी शहजादी जैनब को बस बस आप हजरात का भी शुक्रिया कि आप मुसलसल मुझ जैसे कज बयान को सुनते चले आ रहे हैं। अब कल और परसों दो दिन की मजलिसें मेरी बची हुई हैं जो बस इसी सिलसिले से हैं और वहां तक पहुंच जाएंगे। आज अरबईन की शब है। आपका शुक्रिया कि आपने मेरी हौसला अफजाई किया और मेरी बातों को सुना। इंतजामिया की तरफ से ये ऐलान है कि चूंकि ये जो प्रोग्राम होता है आज़ादारी सैयदुश्शोहदा का, ये सब आप ही हजरात के ताउन से होता है, लिहाजा ख्वाहिश यह है कि आज़ादारी सैयदुश्शोहदा में इस हुसैनिया में हुसैनिया जहरा में आज की मजलिस के बाद आप जो भी ताउन कर सकते हैं माली ताउन करें, इसलिए कि ये आज़ादारी सैयदुश्शोहदा इमाम मुकाम और ख़ास तौर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी के कर्ज को अपने जिम्मे रखते नहीं, ख़ास तौर से आज़ादारी सैयदुश्शोहदा में जो खर्च करता है कई गुना कम से कम 70 गुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बस करते। लिहाजा मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूँ कि अगर इंसाफ से करबला पढ़ेंगे, करबला पढ़ेंगे, देखिए मैं बहुत सरसरी तौर से न तारीख पढ़ता न मजलिस पढ़ता, इसलिए कि हम भी मदरसे के पढ़े हैं हौजे के और मदरसा चलाते हैं, हम सारी बातों को जानते हैं अरबी भी और उसके पस मंज़र को, कि अगर आप इंसाफ की आइनक से पढ़ेंगे तो सज्जाद का किरदार आपके सामने आएगा। जैनब और सैयद सज्जाद की तकरीरों ने और ख़ास तौर से इस तमिश की तकरीर ने, जो तमिश की जमा ये जो मैंने सुनाया, उसके बाद हर घर में हुसैन का मातम होने लगा और सारे शामी जब निकलते थे तो बस हुसैन की बात करते थे करबला की, और कहते थे हाय हाय हमने अली को नहीं पहचाना, हमसे इतनी गलती हो गई, हमने पत्थर मारे इनको। जिसका नतीजा यह हुआ कि जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में लोग जाते थे तो वहां रोते थे नामे हुसैन ले। जब यह खबर यजीद को पता चली तो मरवान इब्ने हकम और यजीद ने मस्जिदों में कारियों को मुय्यन कर दिया ताकि वो कुरान पढ़ते रहें, ताकि लोग कुरान में सुनने के में मशगूल हो जाएं और गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम न सुन। मगर तारीख कहती है कि यह गम रुका नहीं बल्कि ये इसके अंदर एक विजदानी कैफियत पैदा होने लगी और हर घर में सैयद सज्जाद तो कैद में चले गए ना। आप जानते हैं कि मैं मसाए पढ़ने में कोई बुख्ल नहीं करता, मसाए पढ़ने में कोई कंजूसी नहीं करता, भरपूर मसाइब सैयद सज्जाद के खुतबे में मौजूद जो दोबारा खुतबा अजान के बाद थी। रो के कहते शामियों इंसाफ से बताओ तुम्हारी औरतें घर में बैठी, जिसका कलमा पढ़ रहा उसके घर की औरतें बन गई। ये शामियों ये जो छोटी बच्ची है अपने गले पे हाथ रख के ये मेरे हुसैन की बेटी मेरी पत्नी, क्या यही अजर रिसालत है? यजीद दरबार से चला के भरपूर खुतबा पढ़ रहे मसाए पर ए पोपी अम्मा शामियों तुम खाना खा के आए हो पाली पी के हमारे बच्चे भूखे, इमाम का खुतबा पढ़िए कितना मसाए हुए। इमाम फरमाते हैं ए शामियों तुम जानवर को भी पानी पिला के सिबा करते हो, मेरा बाबा पसे गर्दन से सिबा किया गया। ए शामियों मेरे बाबा के लाशों में घोड़े दौड़ाए, ए शामियों देखो हमारे हाथों में हथकड़ियां है, हमारी गलती क्या है, हमारे पैरों में बेड़ियां है, हमारी खता क्या है। अजरकुम अल्लाह, खुदा को किसी गम में न लाए सवाए गम सैयदुश्शोहदा। ये सैयद सज्जाद की तकरीर का ऐसा इनकलाब था कि हर औरत रो रही थी शाम, हर मर्द रो रहा था, हर घर में हुसैन हुसैन हो रहा। और उसके बाद इनकलाब जो और फैला वो यही था कि यजीद ने अपने महल के पीछे खराबे में आले मोहम्मद को मुकैद किया था, जिसे आप जिंदा ने शाम कहते हैं।
एक तरफ तो सैयद सज्जाद की तकरीर के बाद सारे लोगों के दिल जख्मी हो गए थे और हुसैन हुसैन कर रहे थे, और उधर रात और दिन कैद खाने से कमसिन बच्ची के रोने किया, हाय मेरा बाबा। शाम में इनकलाब बरपा, सज्जाद की तकरीर और सकीना के गिरिए ने शाम में इनकलाब पैदा कर, जहां तक मेरा मुताला, सज्जाद की तकरीर और सकीना के गिरिए ने इनकलाब बरपा कर दिया। एक दिन जनाब सकीना खाम में देखती है, खाम में देखती है कि कुछ अमारियां उतर रही हैं कैद खाने में। एक अमारी उतरी, कहा ये कौन है? कहा इब्राहिम नबी है। कहा ये कौन है? कहा इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। कहा ये कौन है? कहा मूसा कलीमुल्लाह है। ये कौन है? कहा ईसा रूहुल्लाह है। उसके बाद कुछ मस्तूरात की अमारियां उतरी, कहा ये कौन है? कहा हाजरा है। ये कौन है? हव्वा है। ये कौन है? सारा है। ये कौन है? खदीजतुल कुबरा है। सकीना पूछती जा रही, बस एक अमारी उतरी, एक बीबी होती उतरी। जनाब सकीना खान में पूछते ये कौन है, तो उस बीबी ने खुद जवाब दिया, बेटी हम फातिमा बिन्त मोहम्मद। सकीना रो के कहती आप हमारी दादी हैं। कहा हाँ बेटी हम तुम्हारी दादी हैं। सकीना लिपट कर फरियाद करने लगी, दादी अम्मा आपका हुसैन मेरा बाबा मारा गया, हमारे देखिए गोशवारे छीने गए, हमें तमाचा मारा जा रहा है। बेगमत शहजादी फातिमा कहती सकीना अब इसके आगे मसाइब न बताओ, हमारा दिल बैठा जा रहा है। ए सकीना देखो हम तुम्हारे बाबा का खून आलूद कुर्ता लिए हुए हैं, हम मैशर में फरियाद करेंगे अल्लाह के। अजादार बहुत रोएंगे जब ही मसाइब में पढ़ने जा रहा हूं। सकीना ख्वाब से बेदार हुई, बेबियों को ख्वाब बताया, बेबियां बिलक बिलक के रोने लगी, वाह हुसैना वाह हुसैना का नारा जिंदान में बुलंद। रात की तारीकी में इतना गिरिया कभी शाम ने सुना नहीं था, इतना गिरिया कभी शाम ने सुना नहीं था। यजीद ने अपने मकान के अंदर आका हुसैन के सर को रखा था, जो मैंने उस दिन मजलिस में, जब आवाज गिरिया बुलंद हुआ तो वह सर जिंदान के सामने आ गया और कहा सकीना को रोको जैनब, हमें करार नहीं, मेरी सकीना को चुप कराओ, मुझे करार नहीं है। यजीद को जब पता चला रात में वो आया, जिंदान ने सारा वाकया सुनाया, तो उसने कहा सर को भेज दो। सर आया कैद खाने में, मैं दरमियान के मसाइल छोड़ रहा हूं। सकीना ने गोद में लिया, मुंह पे मुंह रख के कहा बाबा आप आ गए ना, दादी भी रात में आई है, आप भी आ गए, अब सकीना आपको न छोड़ेगी, ए बाबा इस अंधेरे से हमें ले चलिए। फरियाद करते करते सकीना की आवाज रुक गई, जैनब आगे बढ़ी, सकीना हटो जरा भैया को मुझे दो, मुझे भी कुछ कहना है, कोई जवाब न मिला। कहा सकीना हटो हमें भी कुछ फरियाद करने दो, कोई जवाब न मिला। बस जैसे ही चाहा कि सकीना को बाप के सर से जुदा करें, बेकमता कैदी की आवाज आई सज्जाद की, फूफी अम्मा आहिस्ता, अब मेरी बहन जिंदा नहीं है। आजादारों जो बच्ची साल भर से प्यास 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 प्यास, भैया ये परिंदे कहां जा रहे हैं, भैया प्यास से हड्डियां सुलग रही। जब जिंदान में सकीना का इंतकाल हुआ ना, तो तारिक ऐसा गिरिया कभी नहीं, लैला बिलक बिलक के, जैनब बिलक बिलक के, सारी बेबियां बिलक बिलक के रो रही थी। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना लाए साहब। मेरी माँ बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अब जुमला सुनो। लोग कहते क्यों रोते, हम मर क्यों नहीं जाते, ये जुमला सुनने के बाद। अब ये रोने की आवाज शाम की आबादी से टकराने लगी, शाम की आबादी से टहराने लगी। अब मैं रवायत सुना रहा हूं, मैं कातिल बड़ी जिम्मेदारी से। शाम की औरतों ने जब इन आवाजों को सुना रात से, और जब सुबह हो गई, तो शाम की औरतें अपने घरों से निकली नंगे नंगे तलवारें लेके। उनके मर्द कहने लगे अरे अरे तुम सब तलवारें लेके कहां जा रही हो, बड़ी मोतबर रवायत आपको सुना रहा, अरे तुम सब तलवारें लेके कहां जा रहे हो, तो शाम की औरतों ने अपनी चूड़ियां उतारी और मर्दों को दे दिया, कई चूड़ियों को तुम पहनो घर में बैठो, इन चोरियों को तुम पहनो घर में बैठो, देखते नहीं ये साल भर से कैसे कैदी है जो इस तरह से बिलक बिलक के रो रहे, और रात से तो ऐसे रो रहे हैं कि देखो हमारे जानवरों ने खाना पीना छोड़ दिया।
आजादारों हम सरो सीना पीट के रोए तो कौन सा कमाल, सकीना की शहादत पे जानवर शाम के रो रहे थे, जानवरों ने खाना पानी छोड़ दिया, औरतें कहते देखते नहीं ये रात से हमारे जानवरों ने खाना पानी छोड़ दिया, अब हम जा रहे हैं इन्हें रिहा कराने के लिए, हम यजीद से जंग करेंगे। मर्दों को गैरत आई, उन्होंने कहा अच्छा तुम घर में बैठो हम जाते हैं। पूरे शाम में नंगी नंगी तलवारें लिए हुए यजीद के महल में दाखिल हो गए और कहा हमें यजीद से मिलना। यजीद ने कहा कल दरबार में बात होगी, कहा दरबार की मोहलत नहीं है, अब हम तुम्हारे घर में दाखिल हो जाएं। यजीद ने रोशनदान से चेहरा निकाला, कहा शामियों बताओ तुम बागी क्यों हो गए, क्या बात है? आजादारों बस एक मिनट का मसाइब और खत्म है, आप जाने सकीना और शहजादी से मोहब्बत जाने। यजीद कहता शामियों तुम इतने बरहम क्यों हो जो हमारे बागी हो गए और हमें कत्ल करने के लिए आए। शामी रो गए, कहते यजीद सच बता तुझे रहम नहीं आता, ये कैदी साल भर से इसे रो रहे और रात से तो गजब हो गया, हमारे जानवरों ने खाना पीना छोड़ दिया, हमारे खानवरों ने खाना पीना छोड़ दिया। ए यजीद बता इस वक्त ये ज्यादा क्यों रो रहे हैं, ये ज्यादा क्यों रो रहे हैं? तो यजीद ने कहा असल में हुसैन की एक बच्ची थी, हमने कोई नया जुर्म नहीं किया है, हुसैन की एक बच्ची थी जिसने खान में अपने बाबा को देखा था और वो रो रही थी, मैंने सर भेज दिया, वो बच्ची सर पे सर रख के मर गई है। शाही कहते क्या कहा, वो कमसिन बच्ची मरी? कहा का कौन बच्ची जिसने भरे हुए दरबार में अपने चले हुए दामन को फैला के कहा था बाबा हमारे दामन में आ जाइए, वही बच्ची है। यजीद घबरा गया, कहा नहीं 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 बच्ची नहीं थी, बच्ची नहीं थी। कहा तो फिर कौन था? कभी कहता था ज़ैनब, कभी कहता था लैला, कभी कहता था रबाब, अलग अलग नाम ले रहा था। शामी कह रहे थे यजीद तेरे जुल्म की अब इंतहा हो गई। शामी नंगे तलवारें लेके वापस चले गए। यजीद ने घबरा के सैयद सज्जाद के पास कहलवाया कि हम गुस्ल कफन का इंतजाम किए देते हैं मगर अपनी बहन को कैद खाने से बाहर न निकालिए, कैद खाने में दफन कर दीजिए। इमाम सैयद सज्जाद फरमाते हाँ यजीद हम अपनी बहन को कैद खाने के बाहर नहीं निकालेंगे मगर जो हमारे पीने का पानी आता है वही दे दे, तेरे कफन की जरूरत नहीं है, हम उसी तरह अपनी बहन को दफन कर देंगे। चुनांचे आजादारों अब मैं नहीं समझ पा रहा कोई मसाइल को बर्दाश्त करेगा कि नहीं बन, जिंदान से सकीना का जनाजा बाहर नहीं निकला। शाम की गसाला आई, तख्ते पे सकीना की मैयत रखी गई। ज़ैनब ने कहा गसाला से कि हम गुस्ल दे लेंगे। बकवाता गसाला ने गौर से देखा और कहा ठीक है हम बच्चे के कपड़े को उतार देते हैं। जैसे ही सकीना के कुर्ते को पकड़ा, सारे मकातिल में यह जुमला है बिल इत्तेफाक के गसाला ने जैसे ही चाहा कि कपड़ा उतारे मैयत खिसक के आगे आ गई, गसाला छोड़ के हट गई और ज़ैनब से कहती बीबी ये बच्ची किस मर्ज में मुब्तला थी? ज़ैनब कहते कोई मालूम नहीं। कहा तो फिर इतने जख्म क्यों है? कहे एक ताजियाने पे ताजियाने, एक जख्म अच्छा नहीं होता था कि दूसरा जख्म अच्छा नहीं होता था कि तीसरा जख्म। आजादारों खत्म हो, मैयत तैयार हो गई, मेरे कैदी इमाम ने अपने हाथ पे रखा। मैं कहूंगा यजीद तूने सैयद सज्जाद से कहा और सैयद सज्जाद ने कैद खाने में दफन कर दिया और तूने दफन करवा दिया ना, इसलिए कि यतीम बच्ची थी ना, मजबूर बच्ची थी ना, इसका चचा अब्बास होता तो बता दा, भैया अली अकबर होता तो बता दा, कैदी ने कांपते हुए हाथों में उठा लिया।
नसीब की तरफ चले। आप बराबर मायूसों में सुनते हैं, कब्र से दो हाथ नमीदार हुए और आवाज आई, बेटा मेरी अमानत दे दो। रवायत में यही है कि दो हाथ आए, हाथ किसके थे नहीं मालूम। अक्सर उलमा कहते हुसैन के हाथ थे, मगर मेरा दिल कहता है हुसैन के हाथ नहीं थे, अब्बास के कटे हुए बाजू। सज्जाद मेरी प्यासी सकीना, मेरा हवाले कर दो, मेरे बात तमाचे खाती रही सैनिया। आज है काफिल की काफिला सालार बहन, आज है काफिल की काफिला सालार बहन, आज है काफिल की काफिला सालार बहन, आज है काफिल की काफिला सालार बहन। अब वतन जाती है भैया तेरी लाचार बहन, आज है काफिले की काफिला सालार बहन, आज है काफिले की काफिला सालार बहन, आज है काफिले की काफिला सालार बहन। अपने सीने पे हर एक नावक गम देख चुकी, कैद खाने में सकीना पे सितम देख चुकी, अब तो है जिस्त से बेजार है बेजार बहन, आज है आज है काफिले की काफिला सा। शिमर ने मार तमाचे जो सकीना को तेरी, सहम से खौफ से वो खास्ता जिगर रोने लगी, गज से कांप गए आपकी लाचार बहन, आज है काफिले की आज है काफिले की काफिला साल। जिस घड़ी कर्बला से मसूए शाम चली, मुँह तो बालों से छिपाए दिन कुछ देख सकी, इसलिए कर न सकी भैया का दीदार बहन, आज है आज है काफिले की काफिला सालार बहन। हाय कर
कर के मुबारक भी थी जालिम की छड़ी हाथी का आपके फर्क पे ते जालिम की छड़ी हाथी थी